फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी है डबल लेयर्ड स्पॉन्जी ऑमलेट। बहुत सुंदर रेसिपी है, ध्यान से देखिएगा। हम सबसे पहले चार अंडों के एग वाइट और योक अलग अलग बाउल में निकाल लेंगे। हमने चार अंडे तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा। इतना ब्लेंड करना है जिससे कि ये बाउल पूरा झाग से भर जाए। इसके बाद मैं हल्का सा ब्लेंड करूँगा एग योक को। इसमें झाग नहीं बनानी है। अब मैं एग योक वाला जो एग बीट किया है मैंने, उसको गरम फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ और इसको हाफ कुक करना है। सारी एजिस पे इसको करके हल्की आंच पे कुक करना है। ये देखिए, अब ये एग वाइट जो है फोमी, इसको ऊपर डालता हूँ मैं और स्पैचुला से हल्के हल्के टैप करके इसको ऊपर एक इवन लेयर बना दूँगा। बहुत अच्छी झाग है। अगर आप माइक्रोवेव में बनाएंगे तो बहुत मोटा स्पॉन्जी ऑमलेट बनेगा। डबल लेयर इसलिए बोली है मैंने, नीचे पहली लेयर जो हमारी वो एग योक की है और सेकंड लेयर जो है एग वाइट की है। एग वाइट की लेयर जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है और काफ़ी थिक है। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच करके लिड से ढककर रख देंगे। ऊपर की सतह हमने एकदम प्लेन कर दी है। अब इसको मैं लिड से ढककर छोड़ देता हूँ। 3 से 4 मिनट के अंदर ये स्पॉन्जी ऑमलेट एक तरफ से सिक जाएगा। ढकने से फायदा होगा कि ऊपर की लेयर भी हमारी कुक हो जाती है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए हमने इसको प्लेट में किया, बीच में से कट लगाया और मैं इसको आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया स्पॉन्ज बना है। ये देखिए, डबल लेयर्ड स्पॉन्जी ऑमलेट। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।